नमस्कार, खबर एक्सप्रेस के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक, आइए शुरू करते हैं महानगर की खबरों की ओर से। टेट परीक्षा के दिन 2000 सरकारी और 36000 निजी बसें चलेंगी। रविवार को प्राथमिक टेट परीक्षा होने वाली है। राज्यभर में लगभग 7 लाख परीक्षार्थी इस दिन परीक्षा देंगे। ऐसे में राज्यभर में परिवहन व्यवस्था को सचल रखने के लिए राज्य का परिवहन विभाग तत्पर है। परिवहन मंत्री स्नेहसी चक्रवर्ती ने बताया कि रविवार को राज्यभर में 2000 से अधिक सरकारी और 36000 निजी बसें चलेंगी। ছোট ভেহিকেল আছে সেগুলো আরটিও এডিএন এদের সাথে কথা বলা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার সেন্টারে পরীক্ষার্থীরা পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। এবং যত বেসরকারি বাস অ্যাসোসিয়েশন সিন্ডিকেট বা যেগুলো আছে তাদের সাথেও আমরা কথা বলেছি, তারাও 11 তারিখ রবিবার তাদের সমস্ত বাস রাস্তায় চলাচলের জন্য রাখবে। टेट परीक्षा को लेकर पीवीडी बेहला में कंट्रोल रूम खोला गया। टेट परीक्षार्थियों की मदद के लिए पीवीडी बेलतल्ला में कंट्रोल रूम खोला गया है। इस कंट्रोल रूम का नेतृत्व ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट के डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी करेंगे। यहां पर 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुर्शिदाबाद में छात्र का फंदे से लटकता हुआ शव मिला। बेलडंगा थाना अंतर्गत दयानगर इलाके में छात्र का शव पैतृक मकान में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। वह कक्षा 7वीं का छात्र है। परिजनों के अनुसार शुक्रवार की शाम से किशोर लापता था। बाद में एक पैतृक मकान से उसका शव बरामद किया गया। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। ये सुंदर से खुजे पा जा ना एवं बाधे दारे एक दादुर घर छिल ओखने अपना कारा बा मैंने कि गले दूड़ी दिए मेरे दिए छे गले दूड़ी दिए हाँ मेरे दिए छे। ये तो 100% है प्यारालाइज बिल्ले तो हाथ दुई हाथे कोनो काज करे ना खेते पारे ना एक धोरी मैं दुई जगह दाग आछे गलाय सन्द भाग के मेरे छे के दयनगर के मेरे दिए छे ओके ছিল সন্ধ্যে 4টার দিকে 5টার দিকে দেখছি মেরি আমাদের একটা চালা ফুলে বাড়ি ছিল ওতে মেরি ঝুলানো মেরি ঝুলি দিয়েছে হ্যাঁ কি করে চপর গলা জানে বলছে হাতটা দিকে হ্যান্ডিক্যাপ আছে তো দড়ি বাঁধতে পারবে না। बागतुई कांड के मुख्य अभियुक्त को सीबीआई हिरासत। बागतुई कांड में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त ललन सेठ को शनिवार को दोबारा सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। शनिवार को अभियुक्त को रामपुर हाट अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले अदालत ने उसे 6 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। भाजपा सांसद बोले, मेरे 4 बच्चों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। रवि किशन ने पेश किया जनसंख्या नियंत्रण बिल, बोले काश पहले कानून होता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।